आगरा से सटे हाथरस जिले में कार सवार दंपत्ति से लूट और मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मुकेश और रजनी उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से ताज का दीदार करने के लिए आगरा जा रहे थे, तभी बदायूं के पास दो युवकों ने लिफ्ट लेने के बहाने उनकी कार रुकवाई और जबरन उनकी कार में सवार हो गए। इसके बाद बदमाशों ने मुकेश को बंधक बना लिया और रजनी को बुरी तरह पीटा। बदमाशों ने रजनी के साथ लूटपाट की और गला काट कर उसे कासगंज रोड पर फेंक कर फरार हो गए, जबकि मुकेश को बदमाश आगे तक ले गए, जहां वाहनपुर के पास बदमाशों ने मुकेश को पहले तो लूटा और फिर उसे बांधकर वहां से भाग निकले। अगले दिन जब ग्रामीणों को इसकी भनक लगी तब उन्होंने मुकेश को छुड़ाया और तब जाकर इस पूरी वारदात का खुलासा हो सका। वही महिला को अलीगढ़ रेफर कर दिया गया है। इस टोरो और कचला के बीच में इनके संग कोई घटना घटित हुई है, लूटपाट की घटना घटित हुई है इनके संग, और इनको जो है फिर महिला को वहाँ पे घटनास्थल 4-5 किलोमीटर भी ये बिल्कुल ठीक से बता नहीं पा रहे हैं कि जहाँ पे फेंका गया है महिला को उन्होंने छोड़ दिया और बोला कि मेरे साथी जो है कुछ लेके आएंगे, लेकिन महिला वहाँ पड़ी रही और इनको जो है हाथरस जंक्शन क्षेत्र में छोड़ गए थे। जिन्होंने थाने को सूचना दी है, पुलिस ने कार्रवाई की, इनको हॉस्पिटल लिया गया और बाद में चीजें जो है विस्तृत पूछताछ के बाद। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।